हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? हम लोग लगातार जेईई मेंस के लिए बढ़ रहे हैं, साथ में एडवांस की भी सीरीज चालू कर दी है। ठीक है, जितनी मदद हो सकती है मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। जितने क्वेश्चन, जितने कंसेप्ट पूरे हो सकते हैं जेईई मेंस से पहले वो करते जाएं। मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पूरी पढ़ ली है, आप जेईई मेंस का कंसेप्ट देख सकते हैं। उसमें एक केस रह गया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि इस बार भी जेईई मेंस में आ गया है। तो मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरली एडवांस में आता था, तब मेंस में भी कूद गया है। तो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि कोई क्वेश्चन जेईई मेंस या एडवांस में डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम्हारे पास आए और तुम्हें उसकी थ्योरी नहीं पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करेंगे। हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियबल डिफरेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि हमें, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने कहा e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। अब मान लो लिखा हुआ है e की पावर x स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो मैं क्या इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाऊंगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे e की पावर x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x था, ऐसे ही x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, आप कहो सब्स्टिट्यूशन कर देते, कर सकते थे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, ऐसा बना लेना। अब जैसे मैं बोलूंगा e की पावर x प्लस y था और यहां पर लिखा हो dx प्लस dy, तो आप इसे लिख सकते हैं ना, इट इज e टू दी पावर x प्लस वाई, इट इज डिफरेंशियल ऑफ x प्लस वाई, दिस इज e टू द पावर x प्लस वाई प्लस सी। तो जिसके रिस्पेक्ट में जो लिया जाना चाहिए, अगर उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं, इज वेरी इजी। ठीक है, तो ऐसे कितने तरीके के एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनते हैं, जो मेन हमें याद रखने चाहिए, मैं वो उनके आपको दर्शन करा रहा हूं। अब जैसे ये है, ये सब आपको दिख जाएगा किसमें, जो मैं अभी बनाया था ना कि d के साथ इंटीग्रेशन से पहले आपको अप्रोच करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको दिख गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखे तो किसी और को दिखेंगे, दिखेंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल में x dy प्लस y dx लिखा है, आपको दिखेगा प्रोडक्ट रूल लग रहा है, बीच में प्लस है, पहले y का डेरिवेटिव हुआ है, x सेम है, फिर x का हुआ है, y सेम है, तो हम डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y बोल सकते हैं। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है, तो x सेम y का डेरिवेटिव dy प्लस y सेम x का डेरिवेटिव dx। सिमिलरली इसको देखें, ये आपको डिवीजन रूल की याद दिलाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ x बाय y, सॉरी नॉट x बाय y, इट इज y बाय, माय फॉल्ट, आई वांट टू से सॉरी फॉर इट, दिस इज एक्स वाई वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर इट इज वाई स्क्वायर, सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाय वाई। ये खुद से समझना होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो पुराने जेई के प्रॉब्लम भी है, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन इस साल का भी क्वेश्चन देखेंगे जेई मेन्स का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको देखो, अब देखो ये जो डिफरेंशियल था ये ऊपर लिखा है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इट इज वन बाय एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, या इस पूरे को ऐसा बोल दिया जाए कि डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं। ठीक है, लॉग का हो जाएगा वन बाय एक्स वाई, अगर ये पूरा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो ये तो दिख रहा है। ठीक है, कि अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो वन अपॉन टी का, वन अपॉन एक्स का क्या कर देते हम लॉग एक्स, वही वन अपॉन एक्स वाई का डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई के टर्म में लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये चेन रूल से किया है, वन लॉग का पहले वन बाय एक्स वाई और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सिमिलरली इसको सोचें, ये भी कुछ ऐसा बन रहा है, वन अपॉन एक्स और डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका डिफरेंशियल है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता, या तो वन बाय एक्स प्लस वाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई, या फिर आप समझ गए होंगे मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से हम केस बना सकते हैं। और देखें कुछ और है, ये कुछ और देखें, इनको भी समझें। अब क्या हुआ, अब ये थोड़ी गड़बड़ हो गई,
नीचे एक्स इंटू वाई आ रहा है लेकिन बीच में माइनस आ रहा है। अगर बीच में प्लस आता है तो प्रोडक्ट का केस होता है, बीच में माइनस आता है मतलब डिवीजन का केस होता है। तो इसमें डिवीजन बनाने की जरूरत है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम मतलब मैं क्या कर होता हूं इसमें मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का, एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये बच्चों ये कट गया, ये बन गया वाई बाय एक्स और ये है डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इसके रिस्पेक्ट में, या इसे लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई बाय एक्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको भी लेके चल सकते हैं, इसको टी माने तो वो डी टी है। ठीक है, सिमिलरली दिस, अब क्या हो गया डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर इसमें डिनोमिनेटर सेम था एक्स में, इसमें डिनोमिनेटर सेम है वाई में, तो हम माइनस लगा के माइनस कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें वाई का डिफरेंशियल डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर का, सो इट इज एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर, तो एक वाई कट गया, तो ये एक्स बाय वाई, इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाय वाई बाय एक्स वाई। अब आप इसे लॉग में लेके भी लिख सकते हैं। अब इसको देखें फिर से, इसमें और ये सब सेम ही है, इसमें क्या हो रहा है डिनोमिनेटर माइनस लगा है, डिनोमिनेटर सेम है मतलब एक्स स्क्वायर का डिवाइड होना चाहिए, मतलब हम इसे लिखेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो वन प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा आपने पढ़ा है कहीं, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, इसमें अपन इसमें वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, इसमें वाई स्क्वायर करेंगे बनेगा, कंसेप्ट सेम ही है, इट इज वाई बाय एक्स, इसमें बनेगा एक्स वाई बाय, लेकिन ये क्या बन रहा है कुछ याद आता है, याद आएगा आपको, इट इज डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय, टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई बाय एक्स का डिफरेंशियल। ठीक है, इसमें इसमें क्या हो रहा होगा, अब ये फंसने वाला है, बीच में प्लस आ रहा है मतलब प्रोडक्ट का या कोई और केस है, डिविजन का केस नहीं है। तो आप देखो इसका डेरिवेटिव होगा टू एक्स डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा टू वाई डी वाई, तो मैं टू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा क्या टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई एंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन से इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, आपको समझना पड़ेगा इसको, टी मान लें ऊपर उसके रिस्पेक्ट में डी टी है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाती है, ये मैक्सिमम केस होते हैं जनरली, बहुत वैरायटी हो सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक केस यही है, इनको समझना और याद रखना जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अब जब भी कभी ई की पावर में कुछ गंदा सा कुछ आया ना उसको एक तरफ लो पहले, जैसे वाई इस साल भी जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो भी कुछ इस तरह का ही था, ई की पावर में कुछ गंदा सा था, जब भी ई की पावर में दो टर्म दिख रहे हैं और कुछ पावर में कुछ एक्स और वाई का कुछ आ रहा है उसे कॉमन ले ले, इसका मल्टीप्लाई डी वाई का मल्टीप्लाई इसमें किया और इसको उधर लिया, माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई, एक्स बाय वाई इंटू डी वाई, और इसके साथ प्रोडक्ट हुआ तो वाई स्क्वायर साइन वाई डी वाई। अब इसमें से e की पावर एक्स वाई कॉमन निकाल, एक्स बाय वाई कॉमन, सो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और मैं फिर से यही बोलूंगा कि खुद से बनाने की बात ही अलग होती है, खुद से ट्राई करें, पॉज करें, खुद से ट्राई करें, ठीक है, जितना समझ में आए ट्राई करें। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, मतलब डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, माइनस लगा डिवीजन, मतलब डिवाइड में क्या आना चाहिए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिवाइड कर दो, एक्स बाय वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर, इट इज साइन वाई डी वाई। नाउ दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर एक्स बाय वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई। खत्म क्वेश्चन, इंटीग्रेट एंड एंजॉय। व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी ई टू द पावर एक्स बाय वाई, इट इज माइनस कॉस वाई प्लस सी, दैट्स इट, मेरे यहां चमका होगा। ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम बनाने हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, अब ये आपके सामने है, खुद से तसल्ली से चलिए, कॉस के अंदर एक्स वाई वाई आ रहा है, साइन के अंदर एक्स वाई वाई, एक तरफ लो, कोशिश करो एक तरफ लेने की, या जो पहले से ब्रैकेट में है उसको सोचो, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या ब्रैकेट वाला, सोचो सोचो भाई बनेगा, ये बन रहा है डी ऑफ एक्स वाई, वाई डी बीच प्लस है, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन रहा है, तो ये बना रहे दो, देखते हैं क्या करेंगे, बनाना शुरू करो, जो दिख रहा हो वो बनाओ। ठीक है, ये y साइन y बाय एक्स दिख रहा है, ये भी y बाय एक्स है, तो डिवाइड कॉट या टेन तो बनी रहा है। अब इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दूं,
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स वाई आर, सही है, और ये एक्स एक्स कट जाएगा, सही बनाया। तो कॉस, अब बताओ तुम क्या लिखे हैं, तुम्हें खुद को समझ में आ रहा होगा क्या करना चाहिए, एक्स वाई इधर है एक्स वाई, साइन ऑफ वाई बाय एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स, तो डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स की तरफ वाई बाय एक्स ले लो और डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई की जगह एक्स वाई ले लो, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस का अगर डिवाइड किया तो टेन वाई बाय एक्स डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय, खत्म है क्वेश्चन, इंटीग्रेट एंड एंजॉय। तो वन बाय एक्स का जैसे होता है तो लॉग एक्स वाई, टेन एक्स का वाई बाय एक्स का वाई बाय एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो टेन एक्स का होता है लॉग सेक वाई बाय एक्स, एंड प्लस जब पूरे में लॉग आ रहा हो तो सी को भी लॉग सी लॉग हटा दें, एक्स वाई लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी, तो सी इंटू सेक वाई बाय, दिस इज द राइट आंसर। बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हो, मैं जो कर सकता हूं आपके लिए करता रहूंगा, आप भी खुद के लिए कुछ ना कुछ हिम्मत दिखाएं बनाएं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है, इसको समझो, इसमें कुछ दिख रहा है बनता हुआ, तुम खुद को अपने आप तुम सर्च कर लोगे, y डिनोमिनेटर सेम है न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, मतलब y स्क्वायर चाहिए, तो मैं y स्क्वायर बना लेता हूं यहां पे, cos x by y y dx minus x dy, भाई खुद से पॉज करो, खुद से बनाओ फिर शुरू करो, मजा है। ये एक्स वाई वाई बचा, दोनों तरफ वाई स्क्वायर डिवाइड किया, ये एक्स वाई बचा और ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ नहीं, मजा आ गया क्वेश्चन ये वाला, तो एक्स बाय वाई इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाय वाई इट इज एक्स वाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स, खत्म, इंटीग्रेट एंड एंजॉय। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ये एक्स लिखा है बेसिकली, एक्स डी एक्स लिखा है, तो एक्स का क्या होता, होल स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। जितने भी ये प्रॉब्लम होते हैं अगर आपने एक बार बेसिक अप्रोच सीख ली है, बिंदास बनाते चले जाओ, कहीं नहीं फंसता क्वेश्चन। इसको देखें, ये बना बनाया पका पकाया रखा है, पॉज करें और खुद से बनाए, दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ब्रैकेट लगाया, कितना बन रहा है, ये प्रोडक्ट है डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस, अब देखो ऊपर माइनस है मतलब डिविजन रूल लगेगा, और ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की का डेरिवेटिव, ठीक है, ये मैंने बोर्ड दिया हुआ है तो लाइन बनी हुई है नाखून में, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मुझे भी अजीब अजीब लग रहा है, वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड, सो इट इज वन प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस इट इज डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स बाय वन प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेट, सो इट इज एक्स वाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स प्लस में tan inverse y by x and equal to c, कितने आप बोलोगे सर ये क्या तरीका है, दो दो तीन तीन लाइन में आंसर आ रहे हैं, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट से बिल्कुल मिनटों में होते हैं, पर चमकना चाहिए, बेसिक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम से पहले इन सबको देख के जाइएगा, ये रहा आपका 28 जून शिफ्ट टू का प्रॉब्लम, ठीक है, देखो भाई देखो 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 ये दिया हुआ है, मेरे ख्याल से शिफ्ट टू या शिफ्ट वन का है, लेकिन 28 जून का क्वेश्चन है, इसमें ही आ रहा है, देखो इसमें क्या आ रहा है, आखिरी क्वेश्चन, टू वाई ई टू द पावर एक्स बाय वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, मल्टीप्लाई कर लिया वाई स्क्वायर डी वाई माइनस फोर एक्स ई टू द पावर एक्स बाय वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, बिल्कुल मत घबराना, ई टू द पावर कुछ भी उत्पटांग दिख रहा है, दोनों में कॉमन ले लो, टू चाहो टू भी कॉमन आ रहा है, टू भी कॉमन ले लो, e की पावर x बाय वाई स्क्वायर, देखते हैं क्या बनता है, y dx बचा माइनस टू एक्स डी वाई बचा, ठीक है, प्लस y स्क्वायर डी वाई। अब पहले तुम ये सोचो इसमें करना क्या है, इसमें x बाय वाई, जैसे ऊपर x बाय वाई था तो यहां पे डिफरेंशियल ऑफ x बाय वाई बना था, ऊपर x बाय वाई स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव बनेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब y की पावर 4 आएगा, ठीक है, फिर यहां पर y स्क्वायर आना चाहिए था, y की पावर 4 आता, यहां पे न्यूमिरेटर सेम होना चाहिए था, ठीक है,
न्यूमिटर सेम, देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, यहां पर इसका डिफरेंशियल बनना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब y की पावर 4, फिर न्यूमिटर डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, यहां पे y स्क्वायर आना चाहिए और फिर न्यूमिटर का डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे y की कमी है, तो मैंने क्या किया, पहले y का मल्टीप्लाई किया पूरे में, क्योंकि ये बनाना तो पड़ेगा ही ना भाई। तो ये हो गया वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस टू एक्स इंटू टू वाई डी वाई, ठीक है, एक y का मल्टीप्लाई, तो ये भी हो गया वाई क्यू डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा मतलब y की पावर 4, वो हम डिवाइड कर लेंगे, फिर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर सेम, x सेम, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल तो 2y dy, बिल्कुल सही आ रहा है, परफेक्ट बन रहा है। तो y की पावर 4 की कमी है, y की पावर 4 दे दो, ठीक है। तो ये हो गया 2e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ x बाय वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 बाय वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेट, नाउ एंजॉय। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद डिफरेंशियल ऑफ x इज विल बी, इट विल बी e टू द पावर x, 2 e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर प्लस log y इक्वल टू c। अब हमसे क्या बोल रहा है, x इज नथिंग बट x ऑफ y मतलब अंदर, अब जैसे ये दिया हुआ है ये बेसिकली y की वैल्यू है और उस पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखो, तो 1 पे log 1 0 हो जाएगा और e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो 2, तो c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू e पे, तो y की जगह e रख दो, तो 2 e टू द पावर x बाय e रखा y की जगह, तो e स्क्वायर प्लस ln e ये 1 हो जाएगा और c की जगह 2, ठीक है। तो ये 2 ln e 1 होता है, 1 इधर जाएगा तो 1 हो गया, तो 2x बाय e स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 1 बाई 2 हो गया, तो e टू द पावर x बाय y स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, दोनों तरफ log, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x बाय e स्क्वायर इक्वल टू ln 1 बाई 2, या ऐसे माइनस ln 2 भी बोल सकते हैं, तो x इक्वल टू आएगा माइनस e स्क्वायर ln 2 माइनस e स्क्वायर ln 2, डी ऑप्शन सत्य है। तो उसे समझ में आया, सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक अकेला कंसेप्ट है जो बाकी था, मुझे नहीं लग रहा था मेंस में आएगा लेकिन पूछा गया है, तो जो छूट गया जो हो गया सो हो गया, अगर किसी ने नहीं बना हो तो इसे जरूर याद रखना, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो अपने पास ऑलरेडी जेई मेंस का है एक बार उसे भी देख लेना, जिससे ये चैप्टर हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी बेस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।